कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट कार्बन। आज हम एलिमेंट कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कार्बन है एटॉमिक नंबर दैट इज 6, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से लाए करते हैं कार्बन के अंदर। सो ड्यू टू दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से हमारे जो कार्बन है वो एक वेरिएबल काइंड की प्रॉपर्टी शो करती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, और इसी केमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे टुडे, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके तो हमारा मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो नाउ एक क्वेश्चन राइजेज इन द ब्रेन कि हमारे ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं उसी को हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स को ही हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं द यूनिकनेस ऑफ कार्बन, द यूनिक फीचर शोन बाय कार्बन, कि कार्बन कौन से यूनिक फीचर्स है जो शो करती है हमें, उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कार्बन शोज द टू यूनिक प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज दैट, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकंड वन दैट इज कैटिनेशन। ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन शोइंग टू प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। सो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टेट्रावेलेंसी के बारे में। टेट्रावेलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन to make 4 bond with the other element. ये
ये एक कार्बन की टेनेंसी होती है जिसके अंदर कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ चार बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। ओके, सो हाउ इज इट पॉसिबल इफ वी टेक ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, और टेट्रावेलेंसी शो क्यों करेगी कार्बन, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे चार इलेक्ट्रॉन ही लाए करते हैं, दैट्स वाई कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी। ओके, तो इसके पास आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल हमारे कार्बन के पास कितने हुए, चार इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं। तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये चार बॉन्ड बना सकती है एलिमेंट्स के साथ, दीज फोर एलिमेंट्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, ये चारों जो बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ, ये एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पर अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो हम यहां पर नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर डिफरेंट एलिमेंट की बात कि हम यहां पर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम डिफरेंट काइंड्स के ले सकते हैं कार्बन के साथ, और इसी टेंडेंसी को कार्बन की हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ टेट्रावेलेंसी दैट विल बी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक फोर बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि कैटिनेशन किस प्रकार से कार्बन शो करती है। कार्बन की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन की जो केमिस्ट्री है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इतनी वाइड रेंज रख पाती है, क्योंकि कार्बन एक यूनिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करती है, दैट इज द कैटिनेशन। तो समझते हैं क्या होता है कैटिनेशन, इट इज द सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन्स टू मेक ए लॉन्ग कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब होगा कि कार्बन अगर अपने जैसी कार्बन के साथ ही जुड़ती हुई चली जाती है और एक बहुत लंबी कार्बन की चेन बना लेती है, उसी प्रॉपर्टी को हमें कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं, जैसे टेक एन एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, कार्बन इस प्रकार से अगर जुड़ते जुड़ते एक बहुत लंबी कार्बन की चेन बना लेती है तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स में लाए करती है। सबसे पहले बात करते हैं हमें एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि कार्बन है ना एलोट्रोपिक फॉर्म है वो शो करती है, और एलोट्रोपिक फॉर्म्स की वजह से कार्बन को वेरिएबल काइंड्स में हमें ऑब्टेन करते हैं, देख पाते हैं। जनरली कार्बन दो फॉर्म शो करती है, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकेंड वन दैट इज अमोर्फस फॉर्म।
ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करेंगे और अमोर्फस फॉर्म की हमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम वेरिएबल काइंड के जो फॉर्म है, एलोट्रोप्स हैं, वो कार्बन के देख सकते हैं। दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब, ये हमारी क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर हम अमोर्फस फॉर्म की बात करते हैं तो अमोर्फस फॉर्म के अंदर हम देखते हैं कोल एंड चारकोल, ये सब, ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, अमोर्फस फॉर्म के अंदर स्टडी करते हैं। एक अनदर फॉर्म भी हमारी कार्बन क्या करती है, शो करती है, जिस फॉर्म को हम बोलते हैं, दैट इज बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है जो कार्बन शो करती है हमारी, जिसके अंदर कार्बन के एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट डायमंड के बारे में, यानी कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और कोल के बारे में। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड। इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। डायमंड अभी तक के जितने भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं उनमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है। इट हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग और बहुत ही ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक प्रॉपर्टी जो आप जानकर के सरप्राइज होंगे स्टूडेंट, दैट इज डायमंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ये हमारी डायमंड की प्रॉपर्टी है। डायमंड के बारे में अगर और बात हम समझते हैं तो डायमंड हैव वेरी शार्प लस्टर। डायमंड की बहुत ही तेज चमक हमारी होती है, यानी डायमंड की चमक बहुत तेज होती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, दैट्स वाई डायमंड इज यूज्ड फॉर ज्वेलरी। इसीलिए डायमंड को ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमारी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। अगर हम नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी नेक्स्ट कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है स्टूडेंट, एंड इट इज मैक्सिमम डिफरेंट विद द डायमंड। इट इज द ग्रेइश ब्लैक एंड सॉफ्ट इन नेचर एलोट्रोप ऑफ कार्बन।
जहां स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे डायमंड के बारे में, जो हार्डेस्ट एलिमेंट था अर्थ क्रस्ट के अंदर ऊपर, हम सेकंड बात करते हैं ग्रेफाइट की, जो सॉफ्ट नेचर के अंदर और ग्रेइश ब्लैक कलर ये एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या करता है। ग्रेफाइट ऑलवेज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट दैट पेंसिल नेवर बी यूज्ड एज इंसुलेटर और स्टिक टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इट मीन्स स्टूडेंट, द ग्रेफाइट है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इसी वजह से ये एडवाइज किया जाता है कि कभी भी पेंसिल को यूज नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकने के लिए, यानी कि स्टिक की तरह कभी भी हम पेंसिल को यूज नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड इट बिकॉज वी नो दैट Because we know that in pencil graphite rod is used, हमें पता है कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की रोड है वो यूज की जाती है, इसीलिए हमें पेंसिल को कभी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने के लिए एक स्टिक की तरह यूज नहीं कर सकते और कभी करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ये हमारी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी होगी, जो हमारा क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म है, किसका, कार्बन का। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज कोल। वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स कोल की जो कंसेंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ कार्बन है, ये वेरिएबल होता है। एंथ्रेसाइट कोल इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, कोल क्या होता है, इट इज द अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। इन दिस एलोट्रोप The composition of carbon is different with different concentration. तो कोल के अंदर हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट कंपोजिशंस को जब हम लेते हैं, तो दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आल्सो। ठीक है, अब हम एक एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, जिसका अभी रिसेंटली हमें पता चला है और वो बहुत ज्यादा यूजेबल हमारी हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए और फ्यूचर की बहुत सारी डिस्कवरीज के लिए। दैट इज द बकमिंस्टर फुलरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम तो एग्जैक्टली फुलरिन है, वो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बकमिंस्टर, हेंस
इट्स कंप्लीट नेम इज बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलेरिन। तो इसीलिए ये बकमिंस्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको बकमिंस्टर फुलेरिन बोला जाता है। इन फुलेरिन कार्बन 60 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए फुटबॉल शेप। स्टूडेंट्स जो बकमिंस्टर फुलेरिन है उसमें कार्बन के 60 एटम्स एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और उससे एक फुटबॉल जैसी शेप ले लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट वी शुड गेट द नॉलेज ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें उनकी नेमिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू स्टडी द कार्बन कंपाउंड्स वी नीड ए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें सबसे पहले उनके नोमेनक्लेचर के बारे में भी जानना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, डू यू नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एक अलग से डेफिनेशन और हम बात करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो उसका रीजन क्या है वो हम समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज द कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हमें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनके क्लासिफिकेशन की, कि हम इनको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तो इनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, एंड फर्स्ट इज दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और सेकंड कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे कौन से होते हैं। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, these are those hydrocarbons in which carbon linked with another carbon by सिंगल बॉन्ड। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन
दूसरी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जानने के लिए हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अगर हमारी कार्बन इस प्रकार से अटैच्ड है, ठीक है, और अगर हम इनको वैलेंस करते हैं, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, तो सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लाए करता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए स्टूडेंट एक अनदर नेम भी आपको याद रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स also known as alkanes, इनको हम क्या बोलेंगे, alkanes भी बोलते हैं, that is very important। alkanes word आपको बहुत बार higher classes में भी सुनने को मिल सकता है कि alkanes होते क्या हैं, इनका general formula क्या होता है। जनरल फॉर्मूला के बारे में हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर स्टडी करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट, और ये फॉर्मूला हमें कंपाउंड को प्रेडिक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, दैट इज CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज CnH2n। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ये आपको हायर क्लासेस में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट, इट इज द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन लिंक्ड विद another carbon by double or triple bond। unsaturated hydrocarbons हमारे कौन से hydrocarbon होते हैं student, जिनके अंदर हमारी carbon दूसरी carbon से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से लिंक्ड होती है, उन्हीं को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। अब इनके अंदर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे टू पार्ट्स के अंदर, और हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब ये कौन कौन से टाइप बनेंगे, नंबर वन अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, दैट इज एल्कीन। एल्कीन्स वर्ड हम स्टडी करते हैं और इनको एक अलग स्लाइड से हम समझने की कोशिश करेंगे, और सेकंड वन को भी लिख लेते हैं, दैट इज अल्काइन। तो अब एल्कीन्स हमारे कौन होते हैं और एल्काइन्स हमारे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स, दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन लिंक्ड विद अनदर कार्बन
by double bond हमारे एल्कीन्स के अंदर कार्बन है वो दूसरी कार्बन से जुड़ी होगी डबल बॉन्ड के द्वारा, उसी को हम एल्कीन्स बोलते हैं और ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ये हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या हो सकते हैं? इंटीजर होते हैं, दैट में बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कितने भी हमारे n हैं उनके नंबर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे एल्कीन्स होते हैं ठीक है, और इनको हम एक प्रकार से ओलेफिन्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओलेफिन्स वर्ड का मतलब होता है ऑयल लाइक, यानी कि जो हमारे एल्कीन्स होते हैं वो ऑयल लाइक होते हैं, यानी जो तेल हमारे होते हैं उनके अंदर जनरल स्ट्रक्चर्स में हम ओलेफिन्स को स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्काइन ठीक है। एल्काइन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो एल्काइन क्या होते हैं? दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन लिंक्ड विद अनदर कार्बन बाय ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन हमारे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें हमारी कार्बन दूसरी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होती है, उसी को हम एल्काइन्स बोलते हैं। देयर जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना स्टूडेंट्स फॉर एल्काइन्स। ये हमारा एल्काइन्स के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और इस प्रकार से हमारा मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको विद हाइड्रोजन वैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो इट लुक लाइक दैट ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लाई करेगा। और नोमेनक्लेचर को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे हम बता सकते हैं कि कार्बन चेन में हमारे जितने कार्बन हैं उनका नेम किस प्रकार से राइट किया जा सकता है, और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स होमोलोजस सीरीज की। होमोलोजस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे कि होमोलोजस सीरीज होती किस प्रकार से है। इट गिव्स द गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफ नंबर ऑफ कार्बन
प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन। एक कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, वो प्रेजेंट हैं, उनका नेम जो हमें देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ वी हैव वन कार्बन, उसके लिए हमारी होमोलोगस सीरीज में उसका नाम जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं दैट इज मिथ। अगर हमारी दो कार्बन है, यानी कि जिसके अंदर अगर हमारे स्ट्रक्चर की बात करें जिसके अंदर दो कार्बन हमारी प्रेजेंट होती हैं, उसके लिए हम वर्ड नेम देंगे इथ। अगर हमारी थ्री कार्बन लाई करती हैं, उसके लिए होमोलोजिस नेम बनेगा प्रोप। अगर हम बात करते हैं अगर चार कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके लिए नेम हमारा हो जाएगा ब्यूट। अगर पांच कार्बन हमारी प्रेजेंट होंगी, उसके लिए हमारे पास नाम हो जाएगा पेंट। और अगर ऐसे ही हम स्टडी करते जाएंगे, छह कार्बन अगर हमारे पास हो जाएंगी, उसके लिए हमारा नाम होगा हेक्स। सेवन कार्बन के लिए हमारा नाम होगा दैट इज हेप्ट। एट कार्बन के लिए हमारे पास जो होमोलोगस नेम होगा दैट इज ऑक्ट। नाइन कार्बन के लिए अगर हमारा जो नेम होगा दैट इज नॉन। टेन कार्बन के लिए जो नाम होगा दैट इज डेक। इलेवन कार्बन के लिए जो नाम होगा दैट इज अनडेक। 12 कार्बन के लिए जो नाम होगा दैट इज डोडेक। और ऐसे करते करते हम लाखों करोड़ों तक भी कार्बन का नाम लिख सकते हैं, जैसे 13 के लिए लिख सकते हैं ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। ठीक है, इस प्रकार से हम होमोलोगस सीरीज की मदद से नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट हैं उनके नेम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हम विद द हेल्प ऑफ होमोलोगस सीरीज के समझ सकते हैं। आसानी से हम इससे पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं और जितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे प्रेजेंट होंगे होमोलोगस सीरीज से हम उसी के बिहाव पर उसका नाम रखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं दैट नोमेनक्लेचर। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजेज इन द ब्रेन दैट व्हाई वी नीड टू द कंपाउंड्स गिव द आईपीएससी नेम। ओके, यहां पर हम आपको एक टर्मिनोलॉजी बताएंगे स्टूडेंट दैट इज आईयूपीएससी नेम। आईपीएससी नेम का मतलब ही क्या होता है पहले तो ये समझना है स्टूडेंट। आईयूपीएससी एक संगठन था स्टूडेंट, एक ग्रुप था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन बनाए और उन्हीं के बेसिस पे एक नोमेनक्लेचर बनता है। और ये जो नाम आईपीएससी ने डिसाइड किए हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये नाम पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्टेड हैं, ये सभी जगह पे एक वेल नोन साइंटिफिक नेम माने जाते हैं। आईपीएससी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा आईपीएससी का फुल नेम फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, एक संगठन ने
क्या किया, कुछ सर्टेन रूल फिक्स किए ताकि उनकी मदद से हम क्या कर सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकें। ठीक है, तो अब इनको समझने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है स्टूडेंट्स से, वो देखते हैं। फॉर राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए स्टूडेंट हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट जिस प्रकार हम इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए भी एक सिंपल सा हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा उसके वेरिएबल कंपोनेंट्स को नाम लिखने में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम वो समझेंगे कि हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले हमें कौन से पार्ट को लिखना चाहिए, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट जो आपको होमोलोजस सीरीज से जो हम पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, दैट इज आल्सो नोन एज वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है और ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है स्टूडेंट, इट टेल अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हमारे प्रेजेंट हैं उसकी जानकारी हमें कौन देगी, वर्ड रूट देती है। यानी वर्ड रूट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, इसी में अगर हम एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ वर्ड रूट यूज की जाएगी। अगर हमारे पास दो कार्बन हैं उसके लिए इथ वर्ड रूट यूज की जाएगी। अगर हमारे पास तीन कार्बन है उसके लिए प्रोप वर्ड रूट यूज की जाएगी। तो दीज आर द वर्ड रूट्स वी यूज फॉर राइटिंग ए ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो हमें वर्ड रूट का पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। ओके, सेकेंड पार्ट व्हाट इज दैट, वी नीड टू बी राइट द प्राइमरी सफिक्स। अब स्टूडेंट्स यू आर थिंकिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें वर्ड रूट लिखने के बाद हमें उसके फौरन बाद में जो वर्ड लगाने होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्राइमरी सफिक्स की, वो समझते हैं। इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के जो एटम्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी जानकारी जो देते हैं उनको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम वर्ड के पीछे प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन वी विल ऐड विद वर्ड रूट इन वर्ड। और अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केस में हम वर्ड रूट के साथ जो वर्ड लगाएंगे उसका नाम होगा आइन।
ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सुफिक्स हो गई, जो किसके साथ अटैच हो जाएंगी, वर्ड रूट के साथ अटैच हो जाएंगी जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। प्राइमरी सुफिक्स के बाद हम यूज करते हैं स्टूडेंट दैट इज ए सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है और किस पार्ट के बारे में बताती है वो हम समझते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स हमें बताती है इट टेल अस द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द मेन कार्बन चेन। हमारी मेन कार्बन चेन के साथ किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हैं उसकी जानकारी जो देते हैं उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब आप सब बच्चों के ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए एक बार हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर हम वापस आते हैं इसी पॉइंट पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो समझाते हैं। इट इज द एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं विच गेट्स अटैच्ड विद कार्बन चेन एंड चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ दैट कार्बन चेन। कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स, कि ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स जो हमारी कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे और कार्बन चेन के साथ अटैच होकर के कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को बदल देंगे उन्हीं को हमें फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ OH, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। ये हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का सिंबल होता है। अगर ये हमारी कार्बन चेन के साथ लगता है तो इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स हमारी बनती है वो ओल वर्ड लगेगा और जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल कार्बन चेन होगी उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे आप समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन अटैच्ड हैं CH3 CH3, ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड अगर हम जनरली मानते हैं ये हमारे पास इथेन है। अगर हम इसके किसी भी पार्ट पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच करने की कोशिश करते हैं तो OH फंक्शनल ग्रुप मान लो अटैक करता है तो क्या हो जाता है, इस कंपाउंड को CH3 CH2 OH बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके साथ हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन हमारी क्या है, एक गैस होती है, लेकिन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया
दैट इज एल्कोहल, जिसकी वजह से इसका नाम भी बदल जाएगा, दैट इज इथेनॉल हो जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएंगी, यानी कि अब ये एक लिक्विड स्टेट के अंदर चला गया। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या हुए कि जो हमारी कार्बन चेन के साथ अटैच होते हैं और क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अब वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि सेकेंडरी सुविक्स हमें किसके बारे में बताएंगे। सेकेंडरी सुविक्स टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द मेन कार्बन चेन, कि हमारा किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो चुका है मेन कार्बन चेन के साथ, उसकी जानकारी हमें सेकेंडरी सुफिक्स बताती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है स्टूडेंट कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेम्स को समझने की, उनके सिंबल्स को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसके लिए जो सुफिक्स बनती है वो बनेगी हमारी ओल, ठीक है, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप का सिंबल OH होता है। अगर एल्डिहाइड हमारा अटैच होगा जिसका सिंबल होता है CHO पहचानने के लिए, तो इसके लिए हम वर्ड के साथ सेकेंडरी सुफिक्स अटैच करेंगे, दैट इज अल। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है जिसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है COOH, और इसके लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। इस प्रकार से ये हमारे वेरिएबल काइंड्स के फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे तो ये कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को बदल देंगे, इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो ये हमारी कार्बन चेन का, यानी कि एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमने कुछ पार्ट समझ लिए हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो हम सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सुफिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ और पार्ट रहते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है कि अब ये तो हमने वर्ड रूट के पीछे के पार्ट का तो पता चल गया कि पीछे हम क्या लगा सकते हैं, अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट कि वर्ड रूट के कुछ पार्ट्स आगे भी लगते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। वर्ड रूट के आगे जो लगता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स होते क्या और ये क्या जानकारी देते हैं वो समझते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या करते हैं, इट टेल अस अबाउट द साइक्लिक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन, यानी कि ये हमें कार्बन चेन के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक नेचर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, एक अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैसे। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा है इस प्रकार से, ये हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये कंपाउंड हमारा एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं बना हुआ है, यानी साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स कोई भी हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल एक प्रकार से साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता, जिसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर इस कंपाउंड का जो स्ट्रेट चेन है इसका नाम अगर प्रोपेन हम बोलते हैं, तो हमारे जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है
जिसमें हमारा साइक्लिक नेचर बना हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम साइक्लोप्रोपेन होता, यानी कि यहां पर साइक्लो वर्ड क्या है, साइक्लो वर्ड हमारी वर्ड रूट के साथ प्रोप के साथ अटैच्ड हो गया, जो क्या बता रहा हमारा नेचर ऑफ कार्बन चेन, बता रहा है कि कार्बन चेन साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक होती है। अब हम चलिए बात करते हैं अनदर पार्ट की जो वर्ड रूट के साथ अटैच होता है स्टूडेंट, एंड दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा किस बारे में जानकारी देता है और हमें क्या बताएगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होती क्या है, उसको समझते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या करते हैं, इट टेल अस अबाउट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वे भी समझते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है स्टूडेंट साइड चेन, यानी कि एक चेन को तो हम कार्बन की मेन चेन काउंट करते हैं और उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज उसके साथ अटैच्ड होती हैं उन सब को हमें साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हमें बताएगा द टाइप ऑफ साइड चेन अटैच्ड विद द मेन कार्बन चेन, यानी कि जो साइड चेन हमारी अटैच्ड है मेन कार्बन चेन के साथ उसका नाम क्या हो सकता है और उसको कैसे लिखना है। टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको समझने की कोशिश करें कि अगर हमारी कार्बन की कोई सिंपल सी चेन है और उसके साथ एक कार्बन की साइड चेन लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा हुआ है तो इसका नेम हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम कार्बन की स्ट्रेट चेन का नाम लिखते हैं, दैट इज जिसका नाम हमारा हो जाता है एक प्रकार से ब्यूटेन। जो हमारी ये स्ट्रेट चेन है इसका नाम तो ब्यूटेन हो गया एक प्रकार से, लेकिन जो साइड चेन हमारी बची हुई है, जिस साइड चेन को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द साइड चेन, ये हमारी क्या है एक प्रकार से साइड चेन है। तो इस साइड चेन का नाम हम क्या रख सकते हैं, इसके लिए हमारी सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए हमारा वर्ड मिथ होगा, ठीक है। और अगर ये साइड चेन में काउंट किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट में काउंट किया जा रहा है, तो इसलिए इसके एंडिंग में वाई एल वर्ड हम लगा देते हैं और इस वर्ड को हमें हमारे जो वर्ड रूट है, जो मेन चेन के नेम है, उसके आगे लगाएंगे और हमारा नाम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट, मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ये मिथाइल ब्यूटेन हमारा क्या बता रहा है कि हमारी जो साइड चेन अटैच्ड है मेन चेन के साथ उसका नाम हम एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इनको समझ गए कि हम किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए हमें कुछ मेन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है और उनमें मेन फैक्टर में हमारा क्या है, सबसे पहले हमें वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स को राइट डाउन करेंगे, आफ्टर दैट वी चेक द प्राइमरी प्रीफिक्स, हम प्राइमरी प्रीफिक्स को चेक करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद हम चेक करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, ठीक है, उसके बाद हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को चेक करेंगे। अगर ये सारे कंपोनेंट हम सही से लिख पाते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वो रोंग नहीं हो सकता। अब चलिए नोमेनक्लेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से स्टडी करेंगे। नोमेनक्लेचर रूल्स, नोमेनक्लेचर रूल्स को चलिए हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट रिवाइज दिस टॉपिक एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कमेंट्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।